हेलो फ्रेंड्स, फंटास्टिक कुजींस किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फरवरी का महीना प्यार और मोहब्बत का महीना माना जाता है और हमने इसे सेलिब्रेट करने के लिए पूरा हफ्ता ही डेडिकेट कर दिया है, रोज़ डे से लेकर वैलेंटाइंस डे तक। और हम जिसे प्यार करते हैं, हम उसे एक्सप्रेस करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसे कि हम अपने लव्ड वंस को और अच्छे से बता पाएंगे कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। हम इस रेसिपी से एक्सप्रेस करेंगे कि हमें उनके सेहत का भी कितना ख्याल है। तो आइए आज की रेसिपी हम देखते हैं, जिसे हमने नाम दिया है वैलेंटाइन स्पेशल सूप। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आज की रेसिपी के लिए हम क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स ले रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं हमारी रेसिपी में हमें क्या क्या ज़रूरत होगी। हम ले रहे हैं एक बड़ी गाजर। ये गाजर हमने पील करके रखी है और वॉश कर ली है। इसमें हम ले रहे हैं एक चुकंदर, बड़े साइज़ का चुकंदर लिया है, इसको भी हमने पील करके वॉश कर लिया है। दो टमेटोज लेंगे मीडियम साइज़ के, और धनिया पत्ते फ्रेश लिए हैं, इनको भी वॉश कर लिया है और इनको बाद में कट कर लेंगे। ये लिए हैं मिंट लीव्स, फ्रेश मिंट लीव्स लिए हैं। गार्लिक क्लोव्स 3 लिए हैं। मिर्ची, ग्रीन चिलीज फ्रेश ली हैं। ये है ब्राउन शुगर, हमने लिया है ब्लैक सॉल्ट। ये है मिंट पाउडर, मिंट के पत्तों को सुखाकर पीस लिया है, ये घर में ही हम करते हैं। एंड ये पिंक सॉल्ट है, हमें पिंक सॉल्ट यूज़ करना चाहिए, वाइट सॉल्ट नहीं यूज़ करना चाहिए, इसलिए हम पिंक सॉल्ट ही यूज़ करते हैं। एंड ये ब्लैक पेपर है, फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर। एंड ये हमने लिया है क्रीम, इसको अच्छे से वाइप किया है, घर की क्रीम हमने यूज़ की है। चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने गाजर को पील कर लिया है, वॉश कर लिया है। अब हम इसे मोटा मोटा काट कर अपने जो कुकर में, जिसमें पॉट में पकाना है, उसमें डाल देंगे। इसको रफली कट करना है, कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको कोई शेप कट करें, क्योंकि हमें इसको बाद में फाइन पीस लेना है, क्योंकि ये हमारा जो पोर्शन है ये पिंक है, इसलिए हम इसको भी जाने देंगे। अगर ये वाइट हो तो हम इसको कट कर सकते हैं। ये है चुकंदर, इसको भी हमने रफली कट कर लेना है। मोटा मोटा रखेंगे क्योंकि कोई फाइननेस की ज़रूरत नहीं है। और टमेटोज भी हम 4 हिस्से में कट कर लेंगे, और इसका जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये वाइट हिस्सा जो है इसका डिस्कार्ड कर लेना चाहिए। एंड अब इसमें हमने क्लोव्स भी डाल देंगे, गार्लिक क्लोव्स 3 डाल दिए। एंड ग्रीन चिली जो है, हम इसको भी, इसके ये हेड्स हटाकर इसको छोटा सा एक बीच में कट कर देते हैं, 2-4 हिस्से करके डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हमने इसको 2 कप के करीब डालना है, जस्ट फॉर बॉयलिंग। अंदाजे से डाल देते हैं, आप देखेंगे इसको हमें सिर्फ बॉयल करना है और अभी इसमें कुछ नहीं और ऐड करेंगे। कुकर को बंद करके, इंडक्शन ऑन करके 2 विसल्स तक का वेट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे जो कुकर में हमने सामान डाला था, 2 विसल्स हमने उसको लगा लिए हैं और इसका प्रेशर भी निकल चुका है। ये देखिए, सब जो है, चुकंदर और गाजर जो है, ये बॉयल हो चुकी है, 2 विसल्स लग चुके हैं। अब हम इसको, सभी जो मोटे मोटे पीसेस हैं, इसको मिक्सर जार में डालकर मिक्स से एक बार ग्राइंड कर लेंगे। जस्ट पीसेस लेंगे और इसके जो पानी है हमने जो इसमें डाला हुआ है वो कम ही लेंगे, और कोशिश करेंगे कि जब भी आप बनाएं तो कोशिश करें कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम गरम करने से ये ऊपर की तरफ वापस बाहर आ सकता है अगर ये ज़्यादा होगा क्वांटिटी में। सभी पीसेस हम इसमें डाल लेंगे। अब हम इसको मिक्सी में डालकर इसको पीस लेंगे, और पीसने से पहले हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ते और पुदीना पत्ते।
हमने पुदीना और धनिया के पत्ते पहले ही इसको कट करके रख लिया था और हम इसको मोटा मोटा ही हाथ से ही तोड़कर बीच में डाल सकते हैं। थोड़े से मिंट पत्ते डाल देंगे, ये आपकी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप अपने धनिया और पुदीना डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर्स चाहिए तो आप ज़्यादा डालेंगे और अगर नहीं तो फिर थोड़ा सा ही डालेंगे, हमने इतना ही डाला। देखिए हमने सारे आइटम्स इसमें मिक्सी जार में डालकर इसको बंद करेंगे और हम इसको ग्राइंड कर लेंगे एक अच्छा सा पल्प बनाने के लिए। तब तक इसको ग्राइंड करेंगे जब तक इसकी पल्पी फॉर्मेशन हमें दिखना शुरू हो जाएगी और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, अदरवाइज़ हम इसी को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पल्प हमारा बन चुका है और सारे जो भी इसमें पीसेस थे वो मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए अभी बहुत अच्छे से ये मैश हो चुका है, सारा पल्प बन चुका है। इसे हम वापस से ट्रांसफ़र कर लेते हैं कुकर में, जिसमें हमारा ऑलरेडी इसका जो वाटर जिसमें हमने बॉयल किया है ये है पड़ा हुआ। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी पल्पी है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसमें डाल देंगे। हमने जितना ये आइटम्स लिए हैं उससे हमारे कोई 3 or 4 कप्स ऑफ सूप अच्छे से बन जाते हैं और ये डिपेंड करता है कि अगर आप इसे थिक चाहते हैं तो आप इसमें थिकनेस वैसी रखें, अगर थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं तो पानी ऐड करके इसको पतला कर सकते हैं। फ्रेंड्स बीटरूट जो है इट इज़ आयरन रिच और गाजर विटामिन ए रिच होती है एंड गार्लिक क्लोव से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो हमने ये जो है सभी चीज़ें जो है हमारे हार्ट के लिए हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी हैं, तो हमारा जो ये सूप है ये हमारे लव्ड वंस के लिए उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा बनने वाला है और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे इस वैलेंटाइंस डे पे, अपने डिनर में स्पेशली रखेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी हम इसको ऑन कर लेते हैं, हमने इसको पल्प बना दिया, अच्छे से ये मिक्स हो गया, हमने पानी की कंसिस्टेंसी भी चेक कर ली। अब हम इसमें बाकी आइटम्स डालते हैं। हम ले रहे हैं ब्राउन शुगर क्योंकि बीटरूट गाजर और जो हमने क्लोव्स डाले हैं वो उसमें थोड़ा सा एक टिंज होता है, थोड़ा कड़वाहट सी रहती है, तो इसका हल्का सा हम शुगर डालेंगे, इससे हमारा जो टेस्ट है सूप का वो बैलेंस हो जाएगा। ज़्यादा चीनी नहीं ली है और हमने ब्राउन शुगर ली है। ये है ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट भी हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा रहता है तो हमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी डाल देना है। मिंट हमने पत्ते पहले डाले हैं तो हम थोड़ा सा ये मिंट पाउडर और डाल देते हैं क्योंकि इससे इसके फ्लेवर्स और अच्छे आ जाते हैं। सॉल्ट लेंगे, अभी तक हमने सॉल्ट इसमें ऐड नहीं किया है, हम थोड़ा सॉल्ट डालेंगे और बाद में हम एडिशनल सॉल्ट रख सकते हैं जिसको जिसको कम ज़्यादा कैसा लेना है उस हिसाब से। सॉल्ट भी हमने डाल दिया, अब इसमें आपने थोड़ी सी ग्रीन चिली हमने ऐड की थी 2, तो हमने ब्लैक पेपर भी डालना है। थोड़ा ब्लैक पेपर जो होता है ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे थ्रोट के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हमने ये भी डाल दिया। इसको हल्का सा हमने कुक करना है, एक बॉयल आएगा और फिर हमारा सूप हो जाएगा रेडी। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो सूप है इसमें सभी सॉल्ट शुगर सब इंग्रेडिएंट्स हमारा मिक्स हो चुका है और बॉयल आने ही वाला है, तो हम इसको बंद कर लेते हैं क्योंकि इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही इसको बॉयल किया है, मैश कर लिया है अच्छे से, इसको सभी इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुके हैं। हमारा लवली रेड कलर का सूप रेडी है स्पेशली फॉर योर वैलेंटाइंस डे, अपने घर में सबको बना के खिलाएंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर रेड कलर है और जितना सुंदर कलर है उतना ही ये हेल्थ बेनिफिट से भरा हुआ है। दोस्तों ये हमने अपने बाउल में सूप को ट्रांसफर कर लिया, हम इसको थोड़ा सा गार्निशिंग कर सकते हैं मिंट लीव से, कोरिएंडर लीव से, थोड़ा सा क्रीम ली है हम, क्रीम से इसको थोड़ा सा गार्निश कर सकते हैं, दोनों को हम थोड़ा सा क्रीम डाल लेते हैं क्योंकि हम इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं यूज़ किया है, सूप है हेल्दी होना चाहिए, तो हमने हल्की सी क्रीम डाल दी और इसमें हम डाल देंगे कोरिएंडर लीव
और ऊपर से गार्निशिंग के लिए एक मिंट लीफ भी रख देते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज़ अ हेल्दी सूप। आप इसको हर रोज़ बनाकर भी अपने फैमिली को खिला सकते हैं। ये हेल्थ बेनिफिट से भरा हुआ है क्योंकि जो चुकंदर है आयरन रिच है। लोग आजकल आयरन की टेबलेट खाते हैं अपने हीमोग्लोबिन को पूरा करने के लिए। अगर हम ऐसे सूप प्रेजेंट करें अपने घर में, पहलाएँ सबको, तो हमें आयरन को टेबलेट्स लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और गाजर है, विटामिन ए रिच है, और इसमें क्लोव्स भी हैं, गार्लिक क्लोव्स। तो इट्स फुल ऑफ हेल्थ। आप हर रोज़ पिलाएं, ना केवल वैलेंटाइंस डे पे। अब आप इसको हर रोज़ अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा वैलेंटाइन स्पेशल रेड कलर का सूप, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो अगर आपको आज की रेसिपी हमारी पसंद आई है, तो आप हमारी रेसिपीज़ को आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स से, उनको रिकमेंड करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ और हेल्दी रेसिपीज़ आपके सामने लाने के लिए हमें मोटिवेशन देते रहिए।